बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता ही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मोदी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या महंगाई सिर्फ बहाना है? एक परिवार को बचाने के लिए पूरा हंगामा है। सवाल बड़ा है, सड़क पर गांधी परिवार, निशाने पर मोदी सरकार, बढ़ती महंगाई या ईडी की कार्रवाई, आखिर कांग्रेस सड़कों पर क्यों आई? दरअसल कांग्रेस पार्टी शुक्रवार को सड़कों पर थी, मुद्दा था महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। हाँ, बोला तो यही है कांग्रेस ने, मगर बीजेपी को शक है। शक इस बात का कि ईडी ने बुलाया तो कांग्रेस को धरना याद आया। दरअसल विरोध प्रदर्शन से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को जमकर कोसा, बार बार कोसा, कहा कि पीएम मोदी हिटलर हैं। प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े छोटे नेता काले कपड़े पहनकर सड़कों पर थे। दिल्ली, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, देश भर में जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां प्रदर्शन दिखाई दिया। कई जगहों पर पुलिस के साथ कांग्रेसियों की झड़प तक हुई। दिल्ली में बारिश के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कसरत तेज दिखाई दी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों के साथ साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की पूरी तैयारी थी। तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस की ओर से जंतर मंतर को छोड़कर पूरी नई दिल्ली इलाके में 144 धारा लागू कर दी गई है। पुलिस ने कांग्रेस को पत्र लिखकर भी इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। पुलिस ने कहा था कि ऐसे में प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती, अगर धारा 144 का आपने उल्लंघन किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और हुआ भी यही। इसके बाद भी कांग्रेसियों ने मार्च निकालने की कोशिश की और फिर कांग्रेस का सड़कों पर रण दिखाई दिया। कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया। तस्वीरें देखिए, दरअसल नेशनल हेराल्ड के केस में गांधी परिवार पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड को सील भी कर दिया है। इस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों हिस्सेदार हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी याद कीजिए कि पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। आशंका तब भी जताई जा रही थी कि ईडी कभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर सकती है। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी परेशान चल रही है। तो क्या वाकई में महंगाई बहाना, मसला ईडी को डराना है? इससे पहले ईडी ने वैसे जब जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। याद कीजिए, कांग्रेस ने सड़कों पर यूं ही हंगामा काटा था। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी भी हमलावर हो रही है। कह रही है कि सिर्फ एक परिवार के द्वारा किए गए हजारों करोड़ का घोटाला दबाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या वाकई में ये सब लड़ाई सियासी है या फिर जनता के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ये सियासी कसरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।